अब हम चाहते हैं कि हम इमेज के ऊपर कुछ ड्राइंग करें, कुछ लाइंस ड्रॉ करें, कुछ सर्कल्स ड्रॉ करें, कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें या कुछ टेक्स्ट लिखें। इसके लिए भी OpenCV हमें सिंपल फंक्शंस प्रोवाइड करती है। टू बिगिन विथ हम एक इमेज रीड करते हैं जो हमने पहले सेव किया था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था, एक ब्लैंक इमेज हमने क्रिएट किया और उसे सेव किया। अब हम उस ब्लैंक इमेज पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। cv.imread और हमारे पास ब्लैंक इमेज था, वाइट इमेज। ये हमारे पास इमेज आ गया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इमेज के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। cv.line, इसके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कि इस इमेज पे ड्रॉ करना है। पॉइंट वन, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। पॉइंट टू, लाइन का एंड पॉइंट क्या है। किस कलर की लाइन ड्रॉ करनी है, थिकनेस कैसी हो, लाइन की टाइप कैसी हो और शिफ्ट कैसा हो। हम इसमें से कुछ नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि पहला आर्ग्यूमेंट हमारा इमेज है, फिर हम उसे पॉइंट वन देना चाहते हैं। अब हमें मालूम है कि जो हमने इमेज जो हम ड्रॉ करेंगे वो इमेज के साइज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये इमेज चूंकि हमने खुद सेव किया था तो हमें मालूम है कि इसकी हाइट जो थी वो 280 थी, विड्थ हमारे पास थी 200। इसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर दिए ताकि हमें याद रहे। तो अब हम जो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वो इसी रेंज के अंदर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 0 0 से, लाइन बिल्कुल स्टार्टिंग पिक्सल से स्टार्ट हो और ख़त्म हो 200 and 200। लाइन का कलर अब हम चूज़ करेंगे, कलर उसी तरह। OpenCV में बेसिकली जब इमेज रीड होता है तो उसका फॉर्मेट BGR के फॉर्म में होता है, यानी कि जो उसका पहला पिक्सल है किसी भी लोकेशन पे जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं उसकी पहली वैल्यू बताती है कि ये ब्लू कलर है, दूसरी वैल्यू बताती है कि वो ग्रीन है और तीसरी वैल्यू बताती है कि वो रेड है। अगर मैं ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो मैंने उसके पहले पिक्सल को फुल वैल्यू दे दी है, विच इज़ 255, और मैंने बाकी दोनों की वैल्यू ज़ीरो कर दी। ऐसे हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी उसकी वैल्यू जो उसका कलर जो होगा वो ब्लू होगा, और थिकनेस हम इसकी फॉर द टाइम बीइंग 2 सेट कर देते हैं। नाउ वी वांट टू विजुलाइज दैट इमेज, तो हम शो करेंगे इमेज शो ड्राइंग एंड we have image, okay, हमने इस image को ओवरराइड कर दिया after drawing the line on it। अब हम ऐड करेंगे इधर एक डिले, okay। This is how we have drawn a line on it। हमने 0 0 पिक्सल से स्टार्ट की और इसकी विड्थ के पॉइंट तक हमने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ। मूविंग ऑन, अब हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल।
आई विल कमेंट दैट लाइन एंड नाउ वी विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल. अगेन आई विल ओवर राइट दैट इमेज, वाइट इमेज और सी वी डॉट रेक्टेंगल. इसमें भी हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, कलर, थिकनेस, लाइन टाइप सिमिलर टू द प्रीवियस. इमेज हमारे पास मौजूद है. अब हमें अगेन जो रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है वो एक इन डिफाइंड रेंज के अंदर ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल जो कि स्टार्ट जो कि इस इमेज के दरमियान में ड्रॉ हो, तो आई विल हैव टू चूज सम मिडल पॉइंट. स्टार्टिंग से मिडल पॉइंट चूज करना पड़ेगा और एक मिडल पॉइंट पर ही एंड करनी पड़ेगी. तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको स्टार्ट करती हूँ 50 और 100 से. लेट्स 50 एंड 70 कर लेते हैं. और हम इसे लेके जाते हैं वन सेवेंटी एंड 200 तक. चलिए 150 एंड 170 तक ले चलते हैं. Okay. Now again we have to assign a color to it. तो अब हम इसे red color assign करते हैं. So B की value भी 0 होगी, G की value भी 0 होगी and R की value हमारे पास maximum होगी to make it red. And thickness again we will set it to 2. अब हम इसे इसको display करते हैं. अब हमने एक rectangle draw की है एक वाइट इमेज के ऊपर. नाउ विल सी हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल. अगेन मैंने रेक्टेंगल को कमेंट कर दिया और अब हम इस पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सी वी डॉट सर्कल एक सिंपल फंक्शन है. इसके आर्ग्यूमेंट में हमारे पास चूंकि सर्कल का हमें सेंट्रल पॉइंट चाहिए और रेडियस चाहिए जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसमें मल्टीपल पॉइंट्स नहीं है. सो सेंट्रल पॉइंट हम इसका सेट करते हैं टू बी द सेंटर ऑफ इमेज और हमारी रेंज के अंदर ही 250 का. अगर 280 का हम हाफ करते हैं तो वी विल हैव 140 और 200 का हाफ करके हमारे पास 100 आ जाएगा. तो इट्स काइंड ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट. और अब हम अपना रेडियस डिफाइन करेंगे. रेडियस हमारा 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इमेज की विड्थ जो है वो 200 है. ठीक है. और हम अपना रेडियस यहाँ पे 50 सेट करते हैं. अगेन वी विल असाइन अ कलर टू इट. तो चलें ग्रीन कलर का हम ड्रॉ करते हैं. तो हम ग्रीन की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देंगे और बाकी दोनों वैल्यूज़ को हम 0 कर देंगे. और थिकनेस अगेन हम सेट करते हैं. अब हम देखते हैं हमारे पास सर्कल कैसा ड्रॉ हो. दिस हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हुआ है ग्रीन कलर में. हमने थिकनेस पहले 2 थी अब 3 कर दिए तो हमारे पास जो इसकी बाउंड्री लाइन है वो बोल्ड आई है. ओके. नाउ वी हैव सीन अ लाइन रेक्टेंगल सर्कल. और अब हम देखेंगे हाउ टू पुट अ टेक्स्ट ऑन एन इमेज. इमेज पे टेक्स्ट पुट करने के लिए भी हमारे पास एक सिंपलर मेथड है सी वी डॉट पुट टेक्स्ट. ओके. बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आपका इमेज, आपका टेक्स्ट, आपने किस जगह से लिखना शुरू करना है, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का स्केल एंड द कलर टू. अब हमारे पास हम इमेज सेट करेंगे किस पिक्सल से लिखना स्टार्ट करना है. तो हम इसे स्टार्टिंग पिक्सल ही दे देते हैं.
एनिमेट पिक्सल, और टेक्स्ट जो हम लिखना चाह रहे हैं, हेलो। अब हम इधर फॉन्ट का स्टाइल डिफाइन करेंगे, cv.font। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल फॉन्ट सब शो हो रहे हैं, तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम इसका कलर डिफाइन करेंगे, कलर अगेन अब हम कुछ रेड सेट कर लेते हैं या ब्लू, ओके ब्लू सेट कर लेते हैं। और फॉन्ट स्केल हमने बताना था, जो कि हमने इधर सेट किया है 3, एंड नाउ वी विल सेट द थिकनेस एंड 2 अगेन। अब हम देखते हैं हमारे पास कैसा टेक्स्ट आता है। cv.putText, पहले हमारे पास इमेज आएगा, उसके बाद जो हम इसके ऊपर राइट करना चाह रहे हैं, जो टेक्स्ट हम ऐड करना चाह रहे हैं, एंड इट इज हेलो। अब हम लिखेंगे इधर पिक्सल्स, जहां से हमने लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद हम फॉन्ट डिफाइन करेंगे, फॉन्ट डिफाइन करने के लिए सीवी के फंक्शंस हैं हमारे पास, cv.font लिखेंगे, इधर मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाएंगे, इनमें से एनी टाइप ऑफ फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट का स्केल हमने 4 सेट कर दिए, कलर हम अगेन उसे ब्लू में लिखते हैं, एंड थिकनेस में हम सेट टू 2। नाउ वी विल सी के हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ओके तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि हमने पिक्सल की लोकेशन सही सेलेक्ट नहीं की। इसके लिए हम इसका साइज भी थोड़ा स्मॉल करते हैं, क्योंकि हमारा इमेज छोटा है। ओके सो नाउ इट्स अगेन आउटसाइड आवर इमेज। हम इसकी वैल्यू को 50 सेट करते हैं। सो अब हमारे पास एक राइट लोकेशन पर टेक्स्ट आ गया। तो आपने देखा कि अगर हम अपनी पिक्सल लोकेशन को चेंज करके अपने टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। नाउ वी विल ऐड ऑल 3 थिंग्स ऑन इट एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। मैंने इन सबको अनकमेंट कर दिया, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस्म का इमेज डिस्प्ले होता है। ओके
सो नाउ वी हैव एन इमेज जिसके ऊपर लाइन भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है और फाइनली टेक्स्ट भी लिखा हुआ है. तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ थिंग्स ऑन इमेज यूजिंग ओपन सीवी. थैंक यू.